Winter is here, and changes are coming. We are back with another edition of the DWP. शो का फॉर्मेट थोड़ा चेंज होने जा रहा है. अब आपको एपिसोड्स थोड़े लंबे नजर आएंगे, जस्ट लाइक द वन यू आर वॉचिंग नाउ. एपिसोड्स उतनी फ्रीक्वेंसी से अपलोड नहीं होंगे, लेकिन इतना कंटेंट होगा कि हमारी अगली मुलाकात तक आपको लास्ट कर जाए. उसके अलावा चैनल का फोकस और स्पेशल्स पे होगा. थैंक यू ऑल फॉर योर रिस्पॉन्स टू द न्यू सब्सक्राइबर्स. उम्मीद है आपको पॉडकास्ट पसंद आएगा. और टू द ओल्ड व्यूअर्स, वी हैव अ न्यू फ्रेंड इन द बॉक्स टुडे. एज पार्ट ऑफ द न्यू फॉर्मेट, आपके कमेंट्स भी इंक्लूड होंगे शो में फॉर फर्दर इंटरेक्शन. ऑल दिस एंड अ लॉट मोर राइट हियर ऑन दूसरा व्यू. पीटी पे डिक्लेयर हुए थे, ये खेल रहे थे और ही वाज गोइंग टू गो फॉर रिकॉर्ड्स. उस वक्त इमरान खान ने डिक्लेयर किया तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हुई थी कमेंट सेक्शन पे. मुझे मसला यहाँ पे है कि जब आप पिछले दिन पे खत्म हुआ और जावेद खेल रहा था डबल सेंचुरी पे, तो आपने उसे क्यों नहीं बताया कि मेरा प्लान क्या है अगले दिन का. जावेद कहते हैं उसे कुछ पता ही. हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम अगेन टू दूसरा व्यू पॉडकास्ट एपिसोड 20. बहुत देर बाद आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ वीडियोस आपके लिए भी सामने रखी थी, उनके ऊपर आते हैं अभी. लेकिन उससे पहले आज एक स्पेशल मेहमान है हमारे साथ. उमर नाम है इनका, पोला हम इन्हें प्यार से कहते हैं, अजीज दोस्त है मेरे अदनान दोनों के. आज हमारे शो पे ज्वाइन कर रहे हैं. कैसे हैं आप उमर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए मुझे. अल्हम्दुलिल्लाह. तो इससे पहले अदनान के ऊपर जाएं, आप बस बता दें क्रिकेट से आप कितना मुतरादिफ हैं और मतलब सारों को कि आप कितने बड़े फैन हैं, ताकि आपकी एनालिसिस का वो कुछ जुगाड़ निकाल सकें. सर क्रिकेट इज लाइक क्रिकेट इज माय पैशन, तो पाकिस्तानियों के खून में चलता है क्रिकेट. और मैं बड़ा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हूं, मैं बड़े टाइम से खेल रहा हूं, तो अच्छा है. क्रिकेट इज लाइक जितना एक बंदे का स्किल है उसके लिए वो उतनी उसका लाइफ सेट है, एक पैशन है क्रिकेट. लेकिन अभी तक पाकिस्तान टीम पे अच्छे बॉलर्स हैं. शहीन अफरीदी का मैं बहुत बड़ा फैन, उसकी टीम, उसकी मैं खुद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हूं. तो चलो बात करते हैं अभी शहीन के बारे में, बात करेंगे ओवरऑल टीम के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट टेस्ट मैच आई T20 सीरीज रैप अप हुई है और ही बहुत टॉपिक्स हैं, सारे के ऊपर जाएंगे. अदनान आप कैसे हैं आज? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम यार, मैं ठीक हूँ. और वेलकम टू उमर. उमर जो है ये हमारे बड़े दोस्त हैं, क्रिकेट के बड़े फैन हैं. इनके साथ मेरी बड़ी बहस भी हुई है क्रिकेट पे, बड़े टॉपिक्स पे और बड़ी हीटेड डिबेट्स थी हमारी. बड़ी आज फैसलाबादी फ्लेवर आया थोड़ा. तीन सिटीज आई हुई आज. बेहतरीन काम हो गया. तो आज हम काफी कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन आमिर के ऊपर पहले जाएंगे क्योंकि आमिर का काफी हॉट टॉपिक है जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है. शॉकिंग रिटायरमेंट का ऐलान किया उन्होंने, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बस अप्रिशिएट करना जरूरी है जितना आप लोगों ने सपोर्ट शो आप किया. आप लोगों ने दिखाया कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई, आप लोगों ने शेयर की, व्यू की. और जो इमरान खान की जो वीडियो थी विद जावेद मियां दा क्रिकेट राइवलरी, यूजली सक्सेसफुल, थैंक्स टू यू गाइस. और उसके अलावा जो लीडिंग कैप्टन्स की वीडियो थी, इन केस यू मिस दीज टू वीडियोज गो चेक देम आउट. पॉजिटिव रिव्यूज मिले इस पे. गोइंग टू प्रोड्यूस मोर वीडियोज सिमिलर टू दैट कंटेंट इन द फ्यूचर. तो अब आते हैं मेन चीज के ऊपर, मोहम्मद आमिर और उनकी रिटायरमेंट. इन्होंने ऐलान तो किया था पिछले साल की टेस्ट क्रिकेट अब नहीं खेलेंगे बिकॉज वर्कलोड मैनेजमेंट या मैनेजमेंट. उसके बाद अब शॉकिंग न्यूज आई है कि 35 स्क्वाड में ना होने की वजह से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है अपने लिमिटेड ओवर फॉर्मेट से एट द यंग एज ऑफ 27-28. और ये एक नॉर्मल क्रिकेटर नहीं है और हमारे लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है. T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, क्रूशियल मैचेस विंस, लेकिन स्पॉट फिक्सिंग का हिस्ट्री भी रही है उनके अंदर. स्पॉट फिक्सिंग के इस चैनल पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड रहा है जैसे आप लोगों को पता है. उमर को भी स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग के हवाले से काफी इन्फॉर्मेशन है, वो भी शेयर करेंगे, स्माइल ना करें. और फिर अभी मोहम्मद आमिर का, लेकिन उसके बाद वो निकले उधर से और उसके बाद हम उन्हें लाए और मौका दिया और उसके बाद हमें ये मिल रहा है. बस इस बात का जवाब देते पहले आपसे शुरू करूंगा उमर, क्या वो इतने काबिल हैं कि वो एक अफरीदी पुल ऑफ कर सकते हैं कि मैं रिटायर करके वापस आ जाऊंगा, या वो एक इमरान खान पुल ऑफ कर सकते हैं? उनपे अफरीदी इमरान खान ने किया, उनको ये दो दो है, क्या उनमें उतनी काबिलियत है? इसका जवाब देने पहले मोहम्मद आमिर की अगर बात करें तो रही बात 2008-09
बड़ा बिग फैन मैं खुद आपको, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, तो मैं तो उसका बहुत फैन था, अभी भी हूँ, लेकिन अभी कुछ उसकी हरकत ऐसी मुझे लगी है कि ही काइंड ऑफ हैज अ वीक माइंडसेट। अगर उसकी ये गलती होगी पाकिस्तानी अवाम ने माफ कर दिया, दैट्स फाइन। अब उसकी बॉडी पे तू कह रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेकिन भाई वो तुझे ही बीट करने हैं। अब तू एक पीसीबी, वो एक इन्वेस्ट करता है प्लेयर पे, एक ऑल ऑफ अ सडन एक सीरीज आती है और अमीर ये स्टेप ले लेता है उनका मेन बॉलर, तो उसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं। हाँ जी ज्यादती हो रही है, बट ये भी एक फाइटिंग स्पिरिट नहीं है इसका, बीइंग अ फैन ऑफ आमिर, उसने डिसअपॉइंट, ही शुड कम एंड यू नो ही शुड टेक द गेम, ही शुड लाइक एवरी डे लाइक ही शुड टेक मैटर्स इन हिज ओन हैंड्स, ही शुड लाइक, लेकिन उसने वो किया नहीं। एंड जिस तरीके से उन्हें मैटर अपने हैंड में ली है वो गलत है, राइट? उन्होंने कोशिश तो की है मैटर हैंड में लेकिन परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने की। आपकी परफॉर्मेंस भी सामने अदनान, आपको परफॉर्मेंस का उनका पता है, नेशनल टी ट्वेंटी में उन्होंने क्या परफॉर्म किया, इंग्लैंड में उन्होंने कैसे घुटना पकड़ किया, हैमस्ट्रिंग पकड़ के लेट गए थे, सारा हमारे सामने है। आमिर का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुझे 35 के प्लेयर्स नहीं रखा, तो मैच मैनेजमेंट के प्लान्स हैं वो मेरे भाई, आपको 35 प्लेयर्स नहीं रखा, ठीक है। अगर आप, मैं समझूं 35 में वो आता था, मुझे लगता है उमर भी यही समझता है, हम तीनों शायद ये समझते हैं कि 35 में वो आता था, लेकिन माय पॉइंट इज कि 35 में नहीं आ रहा। दिसंबर है अभी, जनवरी में पाकिस्तान कप है, फरवरी में पीएसएल है, ये दोनों अगर वो खेलता और वो परफॉर्म करता इन दोनों में, और ये स्टेप आउट होता इन दोनों परफॉर्म करता, सबसे ज्यादा आउट करता पाकिस्तान कप जो वनडे कप है, मैं फोर डे की बात नहीं कर रहा भाई, हां तो क्यों ना आता, हां तो क्यों ना आता, ये क्या बात हुई? इस तरह तो फवाद आलम को जो है वो तो बहुत पहले ही रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी, इस तरह कितने प्लेयरों को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए कि भाई हम सिलेक्ट नहीं करते इतने प्लेयर हैं। फवाद आलम को यार, ये एक सेकंड एक बात कंप्लीट कर लूं, ये मोहम्मद अवर इंसिडेंट के बाद ना माय रिस्पेक्ट फॉर प्लेयर्स लाइक फवाद आलम हैज गॉन लाइक 10 टाइम्स अप। यार वो कुछ नहीं बोला उसके खिलाफ, कर लेंगे वकार ने क्या बात की थी, वकार ने नहीं बात की ना, वो कहीं और लीग खेल रहे, तो आमिर बड़ा हर्ट हो गया। चीफ सिलेक्टर निजामुल हक ने फवाद आलम के बारे में ये बात की कि वो मुझे इंटरनेशनल, तो उसने क्या कहा, उसने कहा मैं जवाब नहीं दूंगा, बड़ा है मेरे से, रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं जवाब नहीं दूंगा, और आज वो टीम में आ चुके हैं। आई थिंक दिस इज हाउ, अगर आप से कुछ कुछ कहा गया तो आप परफॉर्मेंस सबसे बड़ी चीज होती है भाई, परफॉर्म जो करता है फवाद आलम की क्लासिक एग्जांपल है, दुनिया शोर मचाती है कि भाई इसको टीम में डालो, इसको टीम में डालो, हमेशा परफॉर्म करते आ जाते, जो उन्होंने हरकत की है। मैंने आपसे पिछले साल भी बात की थी कि एक जर्नलिस्ट है सलीम खालिक साहब, मैं उनको यहाँ पे नाम लूंगा, उन्होंने ये बात बड़ा ओपनली बोली थी कि आमिर जो है, क्योंकि उन्होंने यूके में शादी कर ली है ब्रिटिश पाकिस्तानी से, तो वो वहाँ पे अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं इमिग्रेशन के वो पूरा करके, हिज प्लान इज टू सेटल इन द यूके एंड प्ले द काउंटी एंड लीग्स, हाँ, और ही हैज नो डिजायर टू लिव इन पाकिस्तान। आज वो साल बाद उन्होंने बात सच साबित कर दी है। ना इधर थोड़ा सा कि यार वो आमिर के अपने प्लान्स हैं, हर प्लेयर बनाएगा भाई प्लान, तू यूके कर तू ये कर, बट मैं इस चीज को अंडरस्टैंड करूं, आमिर नॉर्मल प्लेयर नहीं है, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। आमिर को वो हक नहीं मिलता जो एक नॉर्मल प्लेयर को मिलता है, ठीक है, हक है उसको ऑब्वियसली, लेकिन उसको करना नहीं चाहिए जस्ट आउट ऑफ एथिक्स, उसके उसे नहीं करना चाहिए था। जो इसने रिटायरमेंट दी है, आप इसके फैसले के हक में हो, आर यू विद हिम और लाइक अगेंस्ट दैट डिसीजन? I am totally against the decision, लेकिन उसका जो second factor है उसको भी हम mention करेंगे, जो वकार यूनिस legendary bowler है हमारे, legendary coach तो नहीं है वो, उनका जो इसमें सारी involvement है उसकी वजह से काफी hurt हुए आमिर, और आमिर का बोलना ही है कि मैं इस management में नहीं खेल सकता, और मिसबा का भी नाम लिया उन्होंने, सिर्फ उन्होंने वकार का नाम नहीं लिया। तो यार ये आमिर का डिसीजन गलत है, मैनेजमेंट ने गलती की है, लेकिन वो अरसे से चलती आ रही है, ये कोई स्पेशल इसके साथ टारगेटिंग नहीं हो रही इसकी। ये एक बॉलर खुद एक्सेप्ट कर रहा है, मेरी पेस कम है, मेरी सीम कम है, मेरी बॉडी पे वो नहीं रहा। सॉरी टू कट यू ऑफ देयर, लेकिन आप अगर पूछो ना क्यों कम है, बस निगल्स निकल आए मुझे, भाई वकार यूनिस, शोएब अख्तर, इतने ज्यादा बॉलर है, उनको कितनी इंजरीज होती थी, उनकी निगल्स ही निकलती, उनकी पेस भी निकलती थी। सॉरी एक और नाम मैं यहाँ पे लूंगा, मोहम्मद आसिफ का नाम, उन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि इसकी गलत डिसीजन है, लेकिन मैं समझता हूँ इसने क्यों डिसीजन लिया, ऑब्वियसली इज अ वेरी सेंसिबल गाय, लेकिन उनके साथ क्या सोच होगी, मैं ये सोच रहा हूँ भाई उसको मौका नहीं मिला इतनी देर के लिए, इस बंदे को हम वापस पाए, ओडीआई से रिटायर किया, टेस्ट से रिटायर किया, उसी गलती थी। मैं तो आसिफ बेचारे का सोच रहा हूँ, नहीं मैं सोच रहा हूँ, हाँ सलमान बट ने इतना उम्र को, मैं वही डिस्कस कर दिया कि सलमान बट ने डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्म किया, और ऐसा नहीं ना कि पाकिस्तान के पास ओपनर्स की लाइन लग गई थी और ओपनर थी ओपनर्स थे तो हमें मतलब की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने उसको कभी वेलकम नहीं किया। आप ये बात मानते हैं कि लोगों ने कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया सलमान बट को, क्योंकि वो कैप्टन था, मोहम्मद आमिर को एक्सेप्ट किया। मुझे बस ये मोहम्मद आमिर लॉजिक दे रहे हैं कि ठीक है टीम मैनेजमेंट ने आपके ज्यादती की, यार अभी तक इंग्लैंड सीरीज तक तो आप टीम मैनेजमेंट का पार्ट थे ना, टेस्ट क्रिकेट जब आपने छोड़ दी तो आपने छोड़ दी,
आपको एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, उसके बावजूद पीसीबी ने आपको इजाजत दे दी कि आप दो की बजाय तीन लीग्स खेल सकते हैं। पीएसएल में अभी भी आप प्लेटिनम है, दो टूर्नामेंट्स, दो महीने में दो टूर्नामेंट्स हैं, पाकिस्तान कप और पीएसएल, वो दोनों अगर आप परफॉर्म कर दें तो आप कैसे टीम में वापस नहीं आएंगे, मुझे इसकी लॉजिक दे। और अब मेरे ख्याल से अब अगर पीसीबी ने यहाँ घुटने टेके ना, ये मैं समझता हूँ कि आफरीदी एक और चीज थी, इमरान खान एक और चीज थी, मोहम्मद आमिर वो चीज नहीं है। अगर पीसीबी ने घुटने टेके ना कि भाई अब जाके मोहम्मद आमिर से बात करें, आप रिटायरमेंट वापस ले लें, तो मैं समझता हूँ पीसीबी की वो इंस्टीट्यूशनल वीकनेस होगी। ऐसे नहीं होता, अगर टीम मैनेजमेंट ने गलती की भी है कि एक प्लेयर को मतलब के वो साइड लाइन करें कुछ करें, तो टीम मैनेजमेंट की अकाउंटेबिलिटी होगी, वो एक सेपरेट इशू है, ठीक है, वो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन पीसीबी को नहीं करना चाहिए, एंड आई थिंक गुड लक टू मोहम्मद आमिर, वो आगे जाए अपनी लीग शीग्स खेले, और क्योंकि अब उन्होंने खुद ये स्टेप लिया तो आई थिंक अब पाकिस्तान क्रिकेट में उनके दरवाजे बंद हो जाने चाहिए हमेशा। अच्छा ठीक है, मैं उमर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर एक सवाल पूछना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले बस एक बात खत्म कर दूं जो अदनान ने की थी पीसीबी की। पीसीबी की जो स्टेटमेंट आई आप साहब ने देखी है, एक लाइन है बस कि वी हैव एक्सेप्टेड मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट, इसका बड़ा क्लियर मतलब है कि हमने बीच में नहीं आना वकार और आपके, आपने डिसीजन ले लिया, बस हमने वकार की साइड पे रहना है, साइड्स हैव ऑलरेडी बीन चोजन और वकार की साइड पे ही रहेंगे। तो जब तक ये पीसीबी है और वकार है तो आमिर का रूट नहीं आ रहा टीम में, और बड़ा ट्रिकी हो जाएगी 2021 वर्ल्ड कप तक ये दोनों रहेंगे। अब पोले आपके ऊपर आता हूँ, आपसे मेरा पूछना है, जी बोले, प्रेशर हर प्लेयर पे आता है, हर प्लेयर, हर बड़े प्लेयर पे उतना ही बड़ा प्रेशर होता है, लेकिन आमिर का जो हैंडल जिस तरह इसने किया ये सारा प्रेशर, ये बहुत गलत तरीके से है। देखो पाकिस्तान मतलब के प्यार करता है आमिर से, लेकिन उसका जो डिसीजन ऐसा है वो हजम नहीं हो रहा, ठीक है ना, वो एक वो एक फजूल सा मतलब कि उसने ना प्रेशर को हैंडल अच्छा नहीं किया, और मेंटल टॉर्चर था उसके लिए। मैं समझ सकता हूँ कि जब टीम में ऐसे, और यही मैं आपके पूछना चाहता हूँ उमर, कि जब वकार यूनस जैसा बॉलर, इतना बड़ा लेजेंड, उसका नाम है, उसकी बात सुनी जाती है, वो कोच है आपका, वो चार बार कोच रह चुका है, वो अगर पावर प्लेयर है, वो ना पावर प्लेयर है, वो अगर आपको डाउन रख रहे हैं और बॉलर्स को ज्यादा कर रहे हैं, आपकी बातें ऐसे कर रहे हैं, तो उनके लिहाज से आप क्या बोलेंगे, क्योंकि वकार यूनस की हिस्ट्री रही है काफी प्लेयर्स के साथ। अभी अदनान आपको चार पांच प्लेयर्स तो ऐसे गिना सकते हैं, अफरीदी, उमर अकमल, अहमद शहजाद, अब्दुल रजाक, इन सब के साथ अफरीदी के मसले, वकार के मसले रहे हैं, सोए मकसूद के साथ ही बात हो रही थी, कितना मसला हो वकार यूनस के साथ, लेकिन एक इंसान खुद नहीं मतलब जंग हार जाता, वो अपने फैंस को प्रूव करके देता है। ये बात भाई तेरी, ये बात अच्छा यार मेरा एक सवाल है मुसिन, कि आपने कहा कि वो मेंटली टॉर्चर थे, अगर ये मेंटल टॉर्चर है ना, तो फिर जो फवाद आलम के साथ 10 साल हुआ है ना, उसके लिए मुझे कोई अंग्रेजी की डिक्शनरी से अच्छा सा लफ्ज ढूंढ के बता देना, क्योंकि मेरे पास तो फवाद आलम तो टीम से बाहर आना, फवाद आलम लीग से भी बाहर आ, फवाद आलम ने कोई बिग मनी नहीं कमाया, दिस गाय हैज बीन मेकिंग बिग मनी, ठीक है। नहीं नहीं, वो अगर अगर 35 लड़कों में ना आना मेंटल टॉर्चर है, तो फिर 10,000 रन करने वाला डोमेस्टिक का प्लेयर, सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला प्लेयर, उसको टीम में मौका भी नहीं मिला 11 साल जब वो बंदा अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था, तब आईफोन आया था, अब आईफोन 12 आ चुके हैं और वो बंदा आया टीम। अब अनान आप बस आखिरी कुछ लाइंस दे दें, आप भी पोले आखिरी कुछ लाइंस दे दें अपनी, और फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। पोले आप शुरू कर दें, आखिरी बस बता दें आमिर के ऊपर कुछ। आमिर को वापस आना चाहिए, उसको खेलना चाहिए, बहरहाल इस एटीट्यूड के साथ वो अगर ना भी खेले, आई एम हैप्पी विद इट बिकॉज़ वी हैव शिफ्ट। बड़े बोले रहे, बड़े बोले रहे माशाल्लाह पाकिस्तान के पास हमेशा से। और अदनान आप कुछ आमिर के बारे में कहते हैं? मैं ठीक हूँ, मैं कहूँगा गुड लक टू मोहम्मद आमिर, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि और 2-3 सालों की बात है, हो सकता है मोहम्मद आमिर आपको आईपीएल में भी देखें, क्योंकि एक दफा अगर वो ब्रिटिश वाला वो क्या बात करती है, मोहम्मद इसकी वही ना, इसकी अगर वो ब्रिटिश अपनी सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हैं तो फिर वो उसके ऊपर, हाँ, यासिर अरफात भी आईपीएल खेले हैं, मोहम्मद अजहर महमूद खेले हैं हमारे जो बॉलिंग कोच हैं वो, इमरान ताहिर भी क्योंकि ड्यूल नेशनल है तो वो भी खेले हैं, तो हो सकता है मोहम्मद आमिर आपको आईपीएल खेलते हैं। आई थिंक एक अगर ये हो गया फिर तो आई थिंक मोहम्मद आमिर खुद भी दिल नहीं करेगा कि पाकिस्तान खेलना, क्योंकि आईपीएल खेल के मतलब के अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं, ठीक है अच्छे पैसे मिल भी सकते हैं उनको आईपीएल में। आप शोएब अख्तर को अपॉइंट कर दें, सारे मसले खत्म हो जाएंगे, 2 महीने में आमिर 150 फेंकेगा। मोहम्मद आमिर जब आप आए थे, आप यंगस्टर थे, आपने वर्ल्ड कप जिताने बहुत अहम किरदार अदा किया, उसके बाद इंग्लैंड टूर में
यू वर माई चाइल्ड हुड हीरो, ठीक है, मेरे फोन में आपकी वीडियो होती थी उस बॉल की जो आपने मिचेल जॉनसन को कराई थी अंदर बाहर, मेरे हीरो थे आप, और आपने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया, और मैं काफी फैंस के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, आपने हम सारों को डिसअपॉइंट किया, और इवन दो आप मेंटली टॉर्चर हो रहे थे, आपने हमें भी मेंटली टॉर्चर किया था एक टाइम पे, इसलिए आपको शायद थोड़ी जंग ज्यादा सीधे से लड़नी चाहिए थी। अब आगे चलते हैं, पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड, हमारा टेस्ट सीरीज शुरू होने लगी है, T20 सीरीज खत्म हो गई है, तो T20 सीरीज की पहले बात कर लेते हैं, बाबर आजम अनअवेलेबल थे, शदाब खान वाज कैप्टनिंग द साइड, और वी लॉस्ट 2-1, तो अदनान आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के क्या फ्लॉज थे, क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या पॉजिटिव्स थे, शुरू करें। यार एक ना अभी मैं एक शो देख रहा था, उसमें एक बंदे ने बड़ी अच्छी एनालॉजी ड्रॉ की, तो वो आप लोगों को याद होगा हमारे बचपन में फोन आता था 3310, तो ये किसी ने टीवी बताया, मैं उसको कोट कर रहा हूँ, तो किसी ने 2-2.5 साल पहले नोकिया ने वो दोबारा लॉन्च किया, लेकिन वो फोन फ्लॉप हो गया, उसकी वजह ये थी कि आईफोन 10 और आईफोन 12 और यार आई डोंट नो सैमसंग की बात नहीं था, इधर मुझे ये पाकिस्तान की जो थी वो जो है ना एक फिलोसफी T20 में, वो हम वही 3310 को दोबारा 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 हम रीलॉन्च करने की कोशिश करते हैं। उसकी मैं कोई रिश्ता बताता हूँ कि हमारी टॉप 4 के अंदर या टॉप 5 के अंदर हमारे इतने ज्यादा प्लेयर्स होते हैं कि जो एक ही अभी जो चलो बाबर आजम नहीं है, बाबर आजम नहीं है, इंजर्ड है, वो ठीक है, एक हो गया वो, यू हैव टू लिव विद इट। हां आपका अब्दुल्ला शफीक, ही हिज रोल इज टू एंकर, उसका एंकरिंग में ही स्ट्राइक रेट इज 126, रिजवान स्ट्राइक रेट ऑफ 100, आपके टॉप 3 में, आपके टॉप 3 में जब तीन ऐसे प्लेयर होंगे जिनका स्ट्राइक रेट बिलो 130 होगा, और अगर बाबर आजम भी आ जाता है, और अगर आप बाबर और रिजवान से ओपन कराती हैं और नीम, तो ठीक है, आप, लेकिन हमें समझना आप क्या करना, आप क्या चांसेस, माय दोनों ओपनर्स अवेलेबल नहीं थे, अब्दुल्ला शफीक शायद खेलते भी ना अगर फखर जमान होते तो शायद, तो फिर कॉर्नर होते थे माय टीम, तो उसके बावजूद आपके पास हैदर अली था ना, हैदर अली था जो कि आपने पहले तीसरे मैच जाके ओपन कराया, पहले दोनों मैचों में आप लोग एक ऐसे ओपनिंग प्लेयर करते कि जो दोनों ही एग्रेसिव स्टार्ट नहीं दे सकते, और मैं आपको एक इस तरह मैच की एग्जांपल देता हूं कि दोनों मैचों में पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान ने एक के अंदर 33 स्कोर किया, एक के अंदर 29 स्कोर किया, दोनों मैचों के जो बैक 14 ओवर्स का स्कोर है ना 17वें ओवर से लेकर 20वें ओवर तक, मैं पहले दो की बात कर रहा हूं, वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का बराबर था, स्कोरिंग रेट भी पाकिस्तान के न्यूजीलैंड के ऑलमोस्ट इक्वल था, लेकिन हम मैच ही पावर प्ले में हार जाते थे, उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह थी हम गलत टीम खेलते थे, मैचेस में तो खत्म ही हो गए थे, पता नहीं कमबैक कैसे कर लिए, 150 कैसे बन गए मुझे नहीं पता, हफीज ना होते हम तो उड़ गए थे भाई, ठीक है, लेकिन बोले आपके ऊपर आने से पहले मैं बस थोड़ी शदाब खान की कप्तानी की बात करना चाहता हूँ, ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बिकम पाकिस्तान 38th कैप्टन, वो T20 में कप्तानी लीड गए थे पाकिस्तान को, और ऑब्वियसली इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए उन्होंने दिखाया था कि वो कर सकते हैं, लेकिन पता चल रहा था वो बहुत अनप्रिपेयर्ड हैं, इमैच्योर हैं इसके लिए, इट्स टू यंग फॉर इट, और जिस तरीके से प्लेयर्स को डील करना चाहिए वो नहीं कर सक रहे, अनफॉर्चुनेटली बाद में कर लेंगे, प्लस बैटिंग में उनको काफी चांस दिया गया, ही डिड स्कोर वेल इन द फर्स्ट गेम आई बिलीव, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आउट हुए लग रहा था वो पेस को मैनेज नहीं कर सक रहे, और यही चीज उलट की मोहम्मद हफीज ने, जिन्होंने बताया कि पेस को खेलते कैसे हैं, पेस को यूज कैसे करते हैं, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव था कि आपका एक्सपीरियंस फाइनली वापस आ रहा है, और उसके अलावा अपने बॉलर्स की पर बात कर लेते हैं, वहाब रियाज कंप्लीटली आउट ऑफ सॉर्ट्स, एक ही मैच मिला उन्हें, एक ही ओवर शायद कराया, दोनों मैचों में उनको बहुत मार पड़ी थी शुरू में, पहले मैच में वो कैच छूटा था, दुनिया में सब इंडिस्पेंसिबल होते हैं, सचिन तेंदुलकर भी चला गया था इंडिया में क्रिकेट खत्म नहीं थी, पाकिस्तान ने इमरान खान गया था, बहुत सीरियस हो गया, बोला जी आप बताएं कि आपको क्या एहसास हुआ, आप बताएं कोई स्टैंड आउट, कोई टैलेंट जिसके लिए, मेरा भी सवाल है कि आमिर की जगह बनती है T20 टीम में ऑन मेरिट इस बॉलिंग अटैक में, जहां वहाब है, शाहीन है, हारिस है, मुझे लगता नहीं बनती, मेरिट आमिर की जगह बनती है, नो डाउट, एक्सपीरियंस ही नोस हाउ टू बॉल द स्लो बॉल्स, तो आमिर के साथ जो भी मैं उसके अगेंस्ट हूं, वो सिर्फ उसके डिसीजन और वो जो भी एक हैंडलिंग ऑफ प्रेशर वो नहीं कर सका, ठीक है, ये उसकी फर्स्ट टीम पे T20 पे भी जगह बनती है, उसकी वनडे पे भी बनती है, उसके पास है कि कौन सा ठिप्पा किधर फेंकना है, किस बॉलर का क्या है, पर हाल उसका ये जो रिटायरमेंट है ये एक एटीट्यूड बहुत गंदा, बहुत गलत एटीट्यूड, कि जैसे मेरी ये ना हो तो मैं छोड़ दूंगा। सर हफीज से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जल्दी से अपनी टेस्ट सीरीज खेलते हैं, हां 40 साल की उम्र में हफीज साहब ने जो फॉर्म पकड़ी हुई है, 1-99, आई एम प्रीटी श्योर बोले आपने हाइलाइट्स में इनिंग्स या मैच में देखे भी, 99 में जिस तरह वो छक्के मारे थे, तो आपने मुझे उनको शायद छक्की कहते हैं टेप बॉल में,
तो मुझे लग रहा था उसमें वो टेप बॉल क्रिकेट ही खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के बॉलर्स के साथ, जिस तरह उस स्पेशली जिस तरह वो डाउन द ग्राउंड मारते हैं, बिल्कुल वो टेप बॉल वाली शॉट मारते हैं। हां बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत बहुत हॉट फॉर्म में थे। आप चलते हैं इसका सिर्फ देखो, डेढ़ दो साल से उसकी पता क्या टेक्निक है, अभी उसने इनिंग्स खेल दी है, पहले भी खेल दी है, पूरे साल खेलता आ रहा है, सारे कह रहे हैं अच्छा है। बस ये पूरा फीस इस टाइम इस माइंडसेट के साथ बैटिंग पे आता है, उसने या तो पहले दूसरे बॉल पे चौका छक्का लगाना है, नहीं मार लग रहा देता है उस अग्रेसिव, ये हां जी बात सही बिल्कुल ठीक कह रहा है, बीच में मैच्योर इनिंग्स खेल रहा है नो डाउट, बट लाइक हफीज कभी भी आके आपको जीरो पे भी जा सकता है बिग मैच पे, वो तो एक क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन उसका माइंडसेट हिस्सा है वो, लेकिन उसको बिल्ड करनी आती है इनिंग्स, व्हिच इज नॉट समथिंग वी कैन से फॉर मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स, तो हफीज की जरूरत है टीम में। तो अब से कुछ ही घंटों बाद हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो मुझे तो एकदम से वो मेमोरीज याद आती है कि न्यूजीलैंड में मैच होता है सुबह सुबह पाकिस्तान में, आप उठते हो सर्दियों के दिनों में तो देखते हो तो 30-3 यूसुफ खराब है एक वो कुछ यूसुफ फंसा हो जाए, एक बैट्समैन फंसा है, बाकी बस बॉलर उनके आते हैं और आउट कर ही जाते हैं, तो लेट्स होप ऐसा ना हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए टेस्ट सीरीज में एक सीरीज तो क्या मैच भी जीतना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको चैलेंज होगा न्यूजीलैंड की पेस का, साउदी बोल्ट वैगनर काइल जेमिसन और ही लगी यार। और एक मजे की बात आता हूँ कि पिछली दफा जो हम न्यूजीलैंड गए थे 2016 में, तो दो टेस्ट मैचेस की सीरीज में चार बारी पाकिस्तान ने ली, तो चार बारियों से हमने एक दफा 200 टापा था, तब हमारे पास यूनुस खान था, मिसबा भी था, अजहर अली भी था, अपनी फॉर्म में था तब, तो ट्रिपल सेंचुरी करके आया था, तो हमने एक दफा 200 टापा था, और अभी इंडिया की सीरीज हुई थी, इंडिया से भी 200 एक दफा टापा गया था, हालांकि कोहली पुजारा रहाणे सब थे, और अभी वेस्ट इंडीज की सीरीज में वेस्ट इंडीज भी एक ही दफा 200 टापा है, तो मुझे तो पाकिस्तान की बैटिंग से बहुत कड़ा इम्तिहान नजर आ रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है इसको इस तरह देखें कि ये पाकिस्तान ने अगर टेस्ट मैच जीतना है तो वो बैटिंग पे जीतना है या बॉलिंग पे जीतना है? बॉलिंग पे जीतना है, बैटिंग पे जीतना है, 20 आउट तो करने हैं ना अपने, बैटिंग पे जीतना है पाकिस्तान ने, बॉलिंग तो उनकी है अच्छी, मुझे लगता है बैटिंग ज्यादा ज्यादा बैटिंग करके पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, बॉलिंग टॉस दिए थे कंडीशंस पे डिपेंड करता है, आई डोंट नो द पिच, मैं कैसे बता सकता हूँ, यूजली तो बैटिंग ही करनी चाहिए टेस्ट मैच में, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन मतलब पिच देखनी होती है, अगर बहादुरी डिसीजन होगी तो बैट ही करेंगे, आपको याद होगा इंग्लैंड में आई थिंक फर्स्ट टेस्ट मैच था, वी वन द टॉस एंड वी बैटेड फर्स्ट, और हालांकि थोड़ा बहुत क्लाउड कवर था, लेकिन सर ने कमेंट की थी उस डिसीजन को, इन लोगों ने बैटिंग किए जाके, तो वैसे ही अगर बहादुरी से डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन मिसबा उल हक का देखते हैं, उनके बड़े वियर्ड डिसीजन तो होते हैं। खैर आप मुझे बताएं उमर, आपको लगता है पाकिस्तान ये मैच जीतेगा या नहीं जीतेगा, और कोई भी एक बॉलर बता दें, एक बैट्समैन बता दें, उसके बाद आगे चलते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया पर। पाकिस्तान पे ऑब्वियस शाहीन अफरीदी, उसको 5 विकेट लेनी चाहिए, 4 इनिंग्स हैं एटलीस्ट, लाइक अगर थोड़ा अपना लेवल तो ले यार, ही इज डिसअपॉइंटिंग इन टेस्ट, वैसे मजा नहीं आया अभी तक, 5 विकेट लेनी चाहिए अगर उसने अपना लेवल अप क्रिएट करना, लेवल अप करना थोड़ा न्यूजीलैंड पे आके जैसे करता है तो शाहीन को भी उस लेवल पे जा, तो अब रही बैटिंग पे तो वो तो फिर देखें, 5 गिरेंगे, एक कोई 70 रन दे देगा, तो बैटिंग का एज इन कुछ है नहीं, लेकिन आई थिंक होपफुली सेकंड टेस्ट मैच पे आए, बट आबिद अली अजहर अली दे शुड लाइक प्ले, अगर ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिल जाए तो फिर यू नो हमारी पाकिस्तान की साइकी अच्छी है, देखें जस्ट बिफोर नान आपके ऊपर जाऊँ, कौन सा प्लेयर मैं जो प्लेयर चुक रहा हूँ, मैं जो प्लेयर पिक कर रहा हूँ वो है फवाद आलम, क्योंकि फवाद आलम ने अभी साइड मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, प्लस ही इज हंगरी, इतनी देर बाद टीम वापस आए, इंग्लैंड टूर हमारे सामने था जिस तरीके से आउट हुए थे, एक्सपोज हुए थे टेक्निक के साथ, मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ फवाद आलम की इनिंग्स पे, बड़ा मजा आएगा उन्हें देख के। अदनान आप कुछ बोल दें, फिर पाकिस्तान सॉरी इंडिया ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं, तो आपसे मैं पाकिस्तान के प्लेयर पिक करने आया, राइट? आप कोई पाकिस्तान प्लेयर लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं या आपको लगता है बंदा गेम जीतेगा? यार मतलब कि वैसे बड़ा मुश्किल है, जिस तरह उसने कहा ना, वो उसने कहा कि टेस्ट मैचेस में शाहीन ही है जिसे मुझे उम्मीद है, नसीम से क्या मुझे उसे उम्मीद नहीं है इतनी, उसने टेस्ट मैचेस में इतने मुझे बिलीफ नहीं दिया अभी तक, लेकिन मैं देखूं अगर अब्बास नसीम और शाहीन में से, और अगर सुहेल खान है जो भी है, जो भी है, तो प्रॉब्लम भी होगा, खिलाएंगे देखते हैं। हां तो बेस्ट बॉलर तो मैं अभी भी मैं उमर से 100% एग्री करता हूं, वो शाहीन ही है। बैटिंग में आई वुड गो विद हारिस सुहेल, मुझे लगता है कि क्योंकि उसका कमबैक हो रहा है, इंग्लैंड टूर से स्किप किया था,
तो बाकी तो मुझे वैसे उम्मीद नहीं है, पाकिस्तान ने अगर बैटिंग में 200 250 भी कर लिया इधर वे, तो वो आपने बता दिए ठीक है, आपने हारिस सुहेल बताया, बिल्कुल के हारिस सुहेल मुझे लगता है पहले टेस्ट पे फ्लॉप होगा और वो सेकंड मैच पे ड्रॉप होगा, वो उनकी बॉल अल्लाह ना करे, वो बॉल को फॉलो करते हैं और वो एक पकड़ा देते हैं ऊपर वाले बॉल को, आई थिंक वो प्लेयर ज्यादा डेफिनेटली इज वेरी गुड लिमिटेड ओवर्स, लेकिन फवाद आलम है वो भी लगती है, हारिस सुहेल भी है, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड करने को है, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। अब चलते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पे, अदनान आप ले जाए कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है और 36 रन ऑल आउट, हाउ कैन वी नॉट मेंशन दैट, बोले आपने वो देखी थी वो इनिंग्स यार, तौबा तौबा तौबा, आई एम लाफिंग राइट नाउ, मैं पहले अफसोस कर देता हूं यार, जो इंडियन व्यूअर्स देख रहे हैं बड़ी जलालत होती है, जिल्लत होती है अगर आपकी टीम इतने कम रन पे आउट हो जाए, लेकिन हम भी कई बार हुए हैं ठीक है, तो आई नो योर पेन, लेकिन आपको देखना होगा ये क्यों हुआ और देखना ये होगा कि आप इस हार से बाउंस बैक कर सकते हैं और कैसे बाउंस बैक करेंगे और इस सीरीज में कितने और टेस्ट मैच हारेंगे, इस सारे टेस्ट मैच की बात करेंगे। दो दिन टेस्ट मैच के अच्छा खेला, बल्कि 36 आउट से एक दिन रात को मेरी जब उमर से बात हुई है तो मैंने कहा उनकी 60 की लीड है और 9 विकेट उनके पास एसेंशियली है क्योंकि एक आउट हो गया था, तो उमर ने मुझे प्रेडिक्ट किया कि यार 170-180 पे इंडिया करेगा, मैंने कहा 220 तक करेगा, लेकिन वी एग्रीड कि यार ये टेस्ट मैच जो है ना बड़ा एक्साइटिंग हुआ, दो दिन बहुत बढ़ेगी टेस्ट ऊपर नीचे, और हमने कहा वी आर लुकिंग, मैंने कहा यार डे 3 डे 4 बड़ा एक्साइटिंग फिनिश होनी है इस मैच को और लुकिंग, और ये बड़ा अच्छा हुआ क्योंकि पहला टेस्ट मैच अगर अच्छा हो जाए तो मींस कि सीरीज भी एक्साइटिंग होगी। तो मैं जब सुबह उठा हूँ सैटरडे को तो मैंने देखा 19/6, तो पहले तो मुझे नींद में सांस नहीं हुआ, कह रही 19 बाकी देख रहा, तो अब आई थिंक इंडिया के लिए बाउंस बैक करना यहाँ से बहुत मुश्किल है, स्पेशली दो रीजन, एक तो विराट कोहली नहीं है, उनकी बैटिंग में आधी ताकत तो खत्म हो गई है, फिर उसके पिछली सीरीज पिछले मैच का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स मोहम्मद शमी आउट नहीं किए लेकिन उसने बहुत जबरदस्त बॉलिंग करी, आई मीन बहुत ही इज अ मच इंप्रूव्ड बॉलर, इन द वन ऑफ द बेस्ट राइट, तो जब आपको बैटिंग कप्तान नहीं है और बॉलिंग का मेन बॉलर नहीं है और फिर आप 36 ऑल आउट हो, 36 के जो मेंटल है ना, मेंटल टॉर्चर ये होता है, पहले तो हम 36 की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने कोई आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं की, कुछ ऐसा नहीं किया कि जिससे वो वही बॉलिंग पहले इनिंग्स पे किया, ये इनका तेंदुलकर ने कहा है कि ये ज्यादा इनका पैर आगे नहीं आया, ये मैं बोलने लगा था तेंदुलकर ने कहा है, बिल्कुल सबसे की बात है, इस 36 को इधर ही कर दो और उसके बाद जो हो जाते हैं बहरहाल ये सबके साथ होता है, बहरहाल इंडिया की टीम बड़ी अच्छी है और जिस तरह आप कह रहे हो वो फाइट भी नहीं करेगी सेकंड थर्ड फोर्थ प्रेशर, बट आई थिंक लाइक पुजारा नीड्स टू लीव, तो पुजारा विदाउट विराट कोहली मोहम्मद शमी ये भी आप ध्यान रखें, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे इंडियन बॉलर्स ने इम्प्रेस किया था स्पेशली मतलब जो रात को बॉल कर रहे थे पिंक बॉल के साथ उस साथ उन्होंने इम्प्रेस किया था मुझे, लेकिन जो बैटिंग की बात है और जो उमर ने बात किया जो सचिन को उन्होंने कोट किया बिल्कुल ठीक है, और सचिन के साथ जो उन्होंने बात की हम आर्ग्यू तो कर ही नहीं सकते, ऑब्वियसली उन्होंने देख लिया, दैट इज द रीजन फ्रंट फोर्ट पे इनको अब इम्प्रूव करने की जरूरत है, कर सकते हैं नहीं कर सकते हिस्टोरिकली पता चलता है, एक बार आप फंस जाओ ऑस्ट्रेलिया में आप फंसे रहते हो, तो ये हो गया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एक छोटी सी बात कर लूं कि द ग्रेट सचिन तेंदुलकर के बारे में था कि वो ऑस्ट्रेलिया गए थे 2003-2004 में, तो वो दो दफा जो है इसी तरह फ्रंट फुट पे आ गया है और कवर ड्राइव मारते हुए आउट हुए, कवर ड्राइव सचिन तेंदुलकर का पर्सनल फेवरेट शॉट है, सचिन तेंदुलकर ने दो दफा आउट हुए, अगले मैच में सचिन तेंदुलकर कहता है कि मैंने अपने आप से कहा कि मैं कवर ड्राइव नहीं मारूंगा पूरी इनिंग्स क्योंकि मैं आउट हूँ मैं मारूंगा नहीं, हालांकि मेरा फेवरेट शॉट है मैं नहीं मारूंगा, और उस इनिंग्स में उसने विदाउट कवर ड्राइव 241 रन किए थे, सचिन तो फिर ऑल टाइम ग्रेट्स में ना, सुनील गावस्कर सचिन कोहली दीज आर राइट अप देयर, लेकिन अब थोड़ी गाइस ब्रेक लेते हैं ठीक है, थोड़ी ब्रेक लेते हैं और ये अब थोड़ा चिल करते हैं, थोड़ा जूस वूस पीना है, थोड़ा पानी शानी पीता हूँ ठीक है, थोड़े कमेंट्स पढ़ते हैं इनके जो कमेंट सेक्शन में कल बातचीत हुई थी हमारी, और कमेंट सेक्शन में जूस वूस पिए हैं ब्रेक किए गए,
कमेंट सेक्शन में जो कल बात हुई थी, कल नहीं, दो वीडियोस हमारी लगी हैं और उनके ऊपर आप लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट है, 40 कमेंट्स प्लस ऑन बोथ वीडियोस, एंड दैट्स द पावर ऑफ इमरान खान, दैट्स द पावर ऑफ जावेद मियांदादा। सो आप लोगों को मजा आया और कमेंट्स पढ़ने आपके, अब मजे मजे कमेंट्स आए और ये चीज अब कंटिन्यू होगी क्योंकि जैसे शो के शुरू में बताया गया था पॉडकास्ट अब उतने ज्यादातर नहीं हुआ करेगा, लंबे होंगे और कम होंगे, तो आपके कमेंट्स इंक्लूड होंगे इसके अंदर, जो बीच में वीडियोस आए करेंगे जो भी आप लोग। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का जो सपोर्ट आता है शेयर किया जाए आगे, यू गाइस रियली शो अप इन द कमेंट सेक्शन। तो अभी हम देखेंगे आप लोगों ने क्या क्या कहे और ऐसे ही आगे भी होते रहेगा। तो पहले चलते हैं, आप लोग बात करते रहे, मैं कॉमेंट्स। अच्छा उमर, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? ये 1-0 तो हो चुका है इंडिया ऑस्ट्रेलिया, आगे 3 टेस्ट मैच है, इंडिया के पास शमी भी नहीं है, इंडिया के पास बुमराह कोहली भी नहीं है, तो क्या प्रेडिक्शन है, 4-0 या 3-1 हो जाएगा? सपोजिंग कोई मैच ड्रॉ नहीं हो रहा, कोई बारिश नहीं हो रही, कोई मैच ड्रॉ नहीं हो रहा, ये हम निकाल रहे हैं। देखो जो लग रहा है वो तो ये फोड़ने लग, नॉट इवन अ ड्रॉ, क्योंकि तो पहले हम शुरू करते हैं डियर डियर कमेंट सेक्शन हमारा, ठीक है, पहले हम इमरान खान की वीडियो से शुरू करेंगे, इमरान खान और जावेद मियांदाद की वीडियो से। तो मैं स्टार्ट ऑफ विद समीर अब्बास, अप्रिशिएट यू मैन, यू शो अप ऑल द टाइम, उन्होंने कहा वेल डन, अनदर ग्रेट वीडियो, वेल डन ऑन द रिसर्च डन, होप टू सी मोर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, यू विल श्योरली सी मोर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। इस वक्त ही एक और वीडियो पे काम हो रहा है, बहुत स्पेशल वीडियो, नई प्ले लिस्ट बन रही है, तो कीप ट्यून, थैंक यू समीर। और उसके बाद नसीर जर्नी, brilliant video, thank you for sharing interesting information, voiceovers were very unprofessional though, at 18:24 I couldn't stop laughing when I heard someone talk like that for Imran Khan, wow. Mia Das voiceovers were disrespectful, sadly I think you need a new person to do the voiceovers, aur uske baad unhone kaha hai sorry for the criticism, the video is still brilliant and worth watching, aur thank you aap logon ne dekhi is cheez ko, baat karte hain fir se bhi, keep making more content, my request। तो नसीर ने बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग कमेंट दिया, काफ़ी ज़्यादा इंकरेजिंग वर्ड्स दी, क्रिटिसिज्म भी दी, क्रिटिसिज्म बेस हुई थी इस पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के, वॉइस ओवर्स पर डिसरिस्पेक्टिव हो गए थे, इंटेंशन नहीं थी, अदनान और मैंने इस पर बात की थी और जिन्होंने वॉइस ओवर किए थे उनको आज हम शो पे लाना चाह रहे थे लेकिन उन्हें मिस करा दिया हमें, तो वो भी आपको बता रहे थे, लेकिन आइंदा से हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई बात ना हो, डिसरिस्पेक्ट ना जाए, कि पूरी वीडियो बन रही है इतनी मेहनत से, यू डोंट वांट कि 2-3 मिनट की वजह से सारा मजा खराब हो जाए, मजा नहीं खराब करना, तो आइंदा से जब भी वीडियो बनेगी आप लोग आए और ऐसी कोई बात नहीं होगी। इसके अलावा ये बहुत कॉमेंट्स आए थे, बहुत इन्फॉर्मेटिव कॉमेंट्स आए थे, आप लोगों को इतनी नॉलेज है ऑब्वियसली, मैं तो उस वक्त पैदा नहीं हुआ था, आप लोगों को ज्यादा पता है उस वक्त, मैं रिसर्च में बता सकता हूँ, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आमिर कुरैशी ने कॉमेंट किया, उन्होंने बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन बताई हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट की, खालिद इंजीनियर ने कॉमेंट किया, अगर आप लोगों ने मिस किया उधर जाए वीडियो के बाद कॉमेंट्स भी देखें, आपको बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, इनसे वो भी ले लें, मजा आता है कॉमेंट्स पढ़ के। अब इसके बाद एक और वीडियो भी आपको हुई थी और वो हुई थी रैंकिंग पाकिस्तान कैप्टन्स फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट, और उसमें भी आप लोगों ने काफी सपोर्ट शो किया था, मैंने अपनी रैंकिंग दे दी थी, इससे पहले कमेंट्स पढूं आप दोनों में से बस बता दें कि आपके टॉप 3 कौन है, स्टार्टिंग विद यू ना, फेवरेट 3 मेरे तो फेवरेट 3 कैप्टन्स, इसको मैं जो मैं नहीं देखे मैं उनको इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि जो नहीं देखे आपको मैं कैसे जज करूं, मैं रिसर्च कर ली थी लेकिन आपने नहीं की थी, हां तो मैं जो मैंने देखे हैं उससे मैं नंबर 1 पे रखूंगा, देखो स्टैटिस्टिकली भी, और मैं ये रेड बॉल वाइट बॉल ठीक है ठीक है, तो आई वुड से माय फेवरेट टॉप 3 वुड बी इंजमाम, इंजमामुल हक, मिसबाउल हक एंड सरफराज, मेरे टॉप 3 जो मैंने देखे हैं, मैं इमरान खान, ठीक है ठीक है ठीक है, और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, थैंक यू, आप भी जल्दी से कर दें फिर आगे हम कमेंट करें। मेरी राय में पाकिस्तान के पास कोई कैप्टन नहीं है, कोई धोनी नहीं हम बना सके, ना आपने उस बंदे को हटा दिया, इसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉमेंट्स आए थे,
माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत ज्यादा शुरुआत किया, आप लोगों ने लव दिया और इस पे सब करने का गुड वर्क। सुबह से कोई कमेंट करने का वेरी गुड डेमोंस्ट्रेशन, सारी कमेंट से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और मोटिवेशन मिलती है कि और वीडियोस बनाई जाए आपके लिए। ऑब्वियसली कि मेहनत चलती है और जब फीडबैक मिलता है तो इट इज ग्रेटली अप्रिशिएटेड गाइस। उसके बाद किसी ने कहा था कि बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज कर दें, माइनर चीज है। सिद्रा ने कहा था लव द वीडियो, थिंक वसीम कुड हैव हैड बेटर रैंकिंग ड्यू टू द लेगेसी लेफ्ट, अदर देन दैट ही हैज अ टू इमरान वन परफेक्ट, लुक फॉरवर्ड टू वाचिंग मोर ऑफ स्टफ, लुक फॉरवर्ड टू मेकिंग मोर स्टफ। लेकिन जो इन्होंने बात की वसीम अकरम के बारे में, एक और कमेंटेटर थे उन्होंने भी वसीम अकरम के हवाले से कहा था आई रैंक हिम एट नंबर 9 ठीक है इन ऑल टाइम रैंकिंग्स, उन्होंने कहा कि इनको ऊपर होना चाहिए। और कमेंटेटर थे उन्होंने कहा था उन्हें होना ही नहीं चाहिए था मैच फिक्सिंग की वजह से, इसको मैंने बैलेंस करके उन्हें 9 पे डाल दिया था। पोला जी आपको क्या लगता है वसीम अकरम एज कैप्टन बहुत ज्यादा उनकी रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, लेट्स नॉट लाइक प्लेयर्स ही डेवलप्ड और जो भी है, लेकिन उसके अलावा आपको पता है हिस्ट्री क्या रही है विद सर्टेन फिक्सिंग एलिगेशंस, तो उसके हवाले से आप उन्हें किधर रैंक करते हैं? वसीम अकरम को जितना हमने देखा है वो बड़ा एग्रेसिव कैप्टन है, उसको टीम से काम लेना चाहता है, तो बेसिकली कैप्टन का ये काम है। तो वसीम अकरम को मैं खुद मतलब अच्छा, इमरान खान के बाद इंजमाम थोड़ा डिफरेंट था लेकिन वसीम अकरम वाज गुड, तो कैप्टन को ऐसा ही होना चाहिए एग्रेसिव। तो अदनान आपकी मुझे पता है मैच फिक्सिंग में बहुत सख्त अप्रोच है, आप किस रैंक पे डालेंगे इसे उस फैक्टर की वजह से, वरना तो अभी हाई होती है। आई थिंक वो चीज अभी मैं निकाल दूं तो स्नोबोर्ड ने कहा ना क्योंकि बॉलिंग कप्तान था पाकिस्तान ने, दुनिया में बड़े कम बॉलिंग कप्तान थे, बैट्समैन ही कप्तान होते हैं और जो बॉलिंग कप्तान होते हैं वो ज़्यादातर बड़े एग्रेसिव होते हैं बाय नेचर, क्योंकि और बड़ा मुश्किल भी होता है। लेट्स नॉट फॉरगेट कि जब वो फील्ड में होता है तो सिर्फ बॉलिंग के बारे में नहीं सोचता, उसने कप्तानी भी करनी है और अपनी बॉलिंग के बारे में सोचना, तो उसके वो चीज़ें नजर रखते उसी वक्त उन्होंने बड़ी अच्छी कप्तानी की। उसके ऊपर और बात नहीं करेंगे, चैनल पे बहुत कवर है ऑलरेडी, वी डोंट नीड टू गेट इनटू इट। सो दैट वाज योर कमेंट्स गाइस फ्रॉम द प्रीवियस टू वीडियोस, अगले वीडियोस पे भी आप कमेंट्स करेंगे तो दूसरा भी पॉडकास्ट में भी हम आपको मेंशन करेंगे, इनकरेज करेंगे कमेंट्स करने के लिए। अब गाइस चलते हैं आखिरी टॉपिक के ऊपर, इमरान खान और जावेद मियांदाद की वीडियो स्पेशल बना था उसके ऊपर थोड़ी सी हल्की सी बात कर लेते हैं, फिर अपने नाज़रीन को छोड़ देंगे उन्हें टेस्ट मैच भी देखना। तो इमरान खान और मियांदाद की मैं तो बहुत ज्यादा बना लिया, मुझे पता है आप लोगों ने उनकी रिसर्च नहीं की, तो यही मकसद है दूसरा व्यू का, द फैंस व्यू का, ठीक है। अगर आपको उतना पता भी नहीं है बताएं कि आपके दिमाग में दोनों का क्या व्यू है। तो उमर आपसे पहले शुरू करते हैं, इमरान खान और मियांदाद इन दोनों की रिलेशनशिप पाकिस्तान को कैसे बेनिफिट दिया आपकी आंखों में उसने, या जितने आपको इन्फॉर्मेशन है? बहरहाल दोनों एक अच्छी पार्टनरशिप बनाते थे, पाकिस्तान को मुश्किल टाइम से निकाला है, अक्सर मैच जितवाए हैं, पाकिस्तान के सुपरस्टार्स हैं ये दोनों, एक बड़े बाकी इनकी जितनी भी लड़ाई वगैरह ये जो ये मैं उससे नहीं लड़ाई तो नहीं हुई, लड़ाई से बात करेंगे। अदनान आपको इनकी जो ये 280 पे डिक्लेयर हुए थे ये खेल रहे थे और ही वाज गोइंग टू गो फॉर रिकॉर्ड्स, उस वक्त इमरान खान ने इन्हें डिक्लेयर किया था, उसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हुई थी कमेंट सेक्शन पे, आपके हवाले से उस वक्त डिक्लेरेशन जायज थी? और अगेन मैंने वो मैच नहीं देखा लेकिन इमरान खान तो वो कप्तान था जिसने मंजूर लाही को 100 रन करने के बाद ड्रॉप कर दिया था, ये कह के भाई जब मैंने तुम्हें कहा था तेज खेलने को तो तुम तेज क्यों नहीं खेले, तो उसने 100 करने वाले प्लेयर को ड्रॉप कर दिया। ये आज की क्रिकेट में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि किसी भी प्लेयर ने सेंचुरी की अगले मैच में, तो दैट वाज द वे इमरान खान कैप्टन था, उसके प्रोज भी हैं उसके कॉन्स भी हैं। इनकी राइवलरी में एक यही बात करना चाहूंगा, प्रॉब्ली दिस वाज द बिगिनिंग के वो 70 रेटिंग हुई जहाँ से वो कराची रोहल की एक राइवलरी शुरू हुई पाकिस्तान क्रिकेट में, और वो जो कि मैं समझता हूँ अच्छी थी एक सर्टन वे तक, लेकिन वो बहुत नेगेटिव भी होगी और अभी भी चलती है कि भाई ये कराची का लॉबी का प्लेयर है, ये लाहौर की लॉबी का प्लेयर है। आई थिंक इमरान खान और मियांदाद की राइवलरी ने वो जो स्टार्ट किया उसने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचाया कि लाहौर कराची की जो एक अननेसेसरी और एक बिल्कुल एक बिला वजह की डिबेट शुरू करी, उससे बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान क्रिकेट। बिल्कुल, और जावेद की डिक्लेरेशन की मैं बस बता दूं आप सबको कि जावेद को मुझे बस इशू इस बात के, मुझे मसला नहीं कि डिक्लेयर किया गया जावेद को, आई हैव नो इशू विद दैट, पाकिस्तान एक्चुअली वन द मैच और इमरान ने अगली इनिंग में 6 विकेटें ली थी जावेद को 280 पे डिक्लेयर करने के बाद। मुझे मसला यहाँ पे है कि जब आप पिछले दिन पे खत्म हुआ और जावेद खेल रहा था डबल सेंचुरी पे, तो आपने उसे क्यों नहीं बताया कि मेरा प्लान क्या है अगले दिन का? जावेद कहते हैं उसे कुछ पता ही नहीं था,
मान लिया कि डिक्लेयर करना चाहिए था, डिक्लेयर करना चाहिए था भाई, आप ही कैप्टन हो, लेकिन एटलीस्ट आप जावेद मियां दा जो आपके लेवल का प्लेयर है उसको बता सकते थे एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। तो वहां पे मुझे इमरान के साथ थोड़ा इशू हुआ था। उसके अलावा कैप्टनसी की बात कर लेते हैं, इमरान ने नो डाउट लीडरशिप दिखाई और लीडरशिप स्किल्स उनकी ज्यादा थी मियां दा से, लेकिन जो जो स्ट्रेटजीज और जो टेक्निशियन जावेद थे वो शायद इमरान नहीं थे, और यहीं पे इनकी पार्टनरशिप उभर के पाकिस्तान को बेनिफिट देती थी। तो ये इन लोगों ने एक दूसरे को अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया। रिवॉल्ट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। रिवॉल्ट हुआ था 93 में जावेद के खिलाफ, वैसे तो पहले भी हुआ था 80s में, लेकिन दैट वाज वे टू अर्ली, उसमें भी उनको निकाल दिया गया था, इमरान को ले आए थे, उनको कप्तान बना दिया गया था। लेकिन 93 के ऊपर जो उनकी ऊपर रिवॉल्ट हुई थी उसके ऊपर ज्यादा बात होती है कि क्या इमरान का कोई रोल था जावेद को 93 में निकालने का, हालांकि इमरान उस वक्त खुद ही रिटायर हो चुके थे 92 के वर्ल्ड कप के बाद। तो ये भी बहुत ज्यादा है कि उन्होंने इनकरेज किया वसीम अकरम को, यंग बॉयज वगैरह को, कि आप जो भी ठीक है पॉलिटिक्स करें जो भी। तो अब मैं अदनान आपके ऊपर आना चाहता हूँ। पहले मुझे पता है आप इमरान खान के पॉलिटिकली बहुत बड़े फैन हैं, तो डू यू बिलीव दिस स्टोरी? बिल्कुल, मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ, क्योंकि इमरान खान की वसीम अकरम का जो जो उसकी जो से वो करीब है या जो उनका ताल्लुक है वो बड़ा ओपन है, और ये बात उस वक्त भी कही जाती थी कि इमरान खान ने अपनी कप्तानी में वसीम अकरम को तैयार करना शुरू कर दिया था कि तुम जो है मेरे बाद कभी ना कभी पाकिस्तान की कप्तानी करो, क्योंकि अगेन वही बात थे, स्मार्ट था ना इमरान, स्मार्ट थे इमरान, उसे पता था। नहीं, एक तो ये भी है, दूसरा ये है कि हमेशा से जो मैंने अगेन बात की कराची लाहौर वाली, तो जो लाहौर के कप्तान बनता था उसकी कोशिश थी कि लाहौर के लड़के ज्यादा खेलें, जो कराची के कप्तान होता था उसकी कोशिश थी, तो ये उसी की कंटिन्यूएशन थी कि उसने वसीम अकरम को ग्रूम करना शुरू कर दिया था। अच्छा, आप इसको कराची लाहौर की तरफ ज्यादा लेके जा रहे हैं? हां हां 100%। अच्छा ठीक है, मैं उतना उसको वहां पे नहीं लेके जाता, मैं कराची लाहौर को अवॉइड ही करता हूँ ज्यादा। माशाल्लाह हमारे कराची से बहुत अच्छे कप्तान हैं, मुश्ताक मोहम्मद जैसे, सरफराज अहमद जैसे, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन ये पाकिस्तान इशू है, इशू है। और लेकिन अब बस थोड़ी बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर जाने देते हैं सारों को। इमरान और जावेद के मसले जरूर होंगे, लेकिन जिस तरीके से उसने परफॉर्मेंस की, चाहे वो 76 का ऑस्ट्रेलियन टूर था, चाहे वो वेस्ट इंडीज का टूर था जहाँ पे वेस्ट इंडीज दुनिया की बेस्ट टीम थी 10 सालों से उन्होंने हराया जाके, चाहे वो अगेंस्ट इंडिया था जब हम फियरलेस बन गए थे, वी नेवर यूज्ड टू डिफीट। इमरान खान कप्तान के पास टॉस करने जाते थे और वो कहते थे मुझे डर नजर आ रहा था अगले कप्तान में, ये हमारा लेवल हो गया था, और ये उन दो प्लेयर्स के नीचे लेवल हुआ था। तो पाकिस्तान, लाइक आई सेड इन द वीडियो, पाकिस्तान क्रिकेट हैज नेवर सीन सच हाइट्स बिफोर एंड नेवर विल अगेन, जो हमने वर्ल्ड कप टाइम पे देखा। एक बात कहना चाहता हूं, जो इस तरह उमर भी कह रहा था कि आमिर को अगर वो ये हरकत ना करे तो अब इसलिए है, तो इमरान मेहर 92 में गया और मियां दा 96 में गए, उसके बाद ही पाकिस्तान में क्रिकेट चलती रही है, खत्म नहीं हुई। तो ये कहना कि कोई बंदा इंडिस्पेंसिबल होता है, यस लेजेंड्स होते हैं वो, लेकिन यू नो रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, तो कोई पता नहीं जो अभी एटीट्यूड रखा हुआ है, अगर यही है ना खेल भाई तू बैठा रह, लेकिन अगर एटीट्यूड के बारे में, सॉरी पहले आप बात रिपीट कर। हाँ यार देखो, एटीट्यूड एज इन के वो फाइट नहीं कर रहा, वो छोड़ के है, वो साथ एलिगेशन लगा रहा है, लॉजिक लगा रहा है, हर चीज पता नहीं आता। आई वांट हिम टू प्ले इन द प्लेइंग 11 बट ये वो भाई तू ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस कर, नहीं भाई प्लीज मेरी तरफ से खेलो, वो नहीं ऐसा होगा, रिटायर कर गया, दे हैव टू मूव ऑन। हमारे पास इतना टैलेंट है कि हम आर्मी को आमिर को 2 साल पे हम कोई और प्लेयर निकाल सकते हैं। आमिर एग्जैक्टली मेरा पॉइंट कह रहे हैं, आमिर मेरी मोटिंग था वो 2008-09 पे, अब वो एक नॉर्मल एवरेज गुड बॉलर विद एक्सपीरियंस है, ही इज नॉट लाइक स्टार्क, ही इज नॉट रबाडा, ही इज नॉट यू नो रबाडा होगा, रबाडा गिर गया, नहीं नहीं रबाडा, लेकिन रबाडा। लेकिन गाइस अब बस एंड करते हैं इसे, थोड़ा बस थोड़ी सी 2-3 बातें बनाता हूं मियां दाद के खिलाफ, क्योंकि इमरान को तो वैसे ही हर कोई जानता है, इमरान मियां दाद मुझे लगता है उसने कभी कभी सेलिब्रेट नहीं होते। मैं बस बताना चाह रहा हूँ एटीट्यूड की बात की थी उमर ने, एटीट्यूड क्या होता था पहले, मियां दाद का एटीट्यूड था फील्डर इधर खड़ा होगा शॉर्ट लेग पे कैच करने के लिए, स्पिनर बॉल करेगा कोई टेस्ट मैच पे, वो ऑफ साइड पे ना ब्लॉक करते थे हवा में मार के और कहते थे अगर उधर बंदा होता आउट हो जाता, ये था। डीन जोन्स कप्तान थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने कहा कि सारों को कि भाई ग्राउंड में जाओगे तो मियां दाद से किसी ने बात की तो 20,000 फाइन है उसे, क्यों? क्योंकि अगर आपसे बात करोगे तो ज्यादा चार्ज अप होगा और अच्छा खेलेगा। तो ये मियां दाद की लेगेसी थी, इस लेगेसी से हम कैसे नीचे गिरे हैं? ठीक है, एक कमेंट था उस वीडियो में कि जस्ट एंड क्रिकेट नाउ, ये उस हाइट से हम, इट्स ऑल डाउन फ्रॉम देयर,
और आमिर की आज हम देख रहे हैं आप सबके सामने ये हालात आ गए भाई, आमिर की बात करनी पड़ी है। हमने माफ कर दिया, लेकिन भाई एटलीस्ट एथिकली ये हरकतें ना करते। मैंने कहा हमने माफ कर दिया आमिर को, आमिर की बॉडी ने जो 5 साल बॉडी तो नहीं रही ना, वो तो अब वो वही तो रो रहा है मेरी बॉडी नहीं रही, टेस्ट नहीं करवाना, तो वो एक सिक्योरिटी नहीं रहा। बॉडी बनाओ, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, इतने इतने पुराने बॉलर्स थे भाई, पहले सारे एक दो बॉलर खिलाए जाते थे पहले टेस्ट में, पूरे दिन बॉलिंग कराते थे, इसी को कहते हैं नहीं होती थी, लेकिन के अपने आप को जाके मैंने 300 बॉल फेंकने हैं रोज, ये करना है वो करना है, वो अपनी ट्रेनिंग करता है हर चीज करता है, उसकी T10 चल रहे हैं बस, पैसे हैं ना। आसिफ ने ये भी इंटरव्यू में कहा था कि आजकल लोग 4 ओवर फेंकना पसंद करते हैं, और ये असल बात। मेरा एक क्वेश्चन है, सिर्फ एक एक जवाब देना आपने और एक लाइन में एक्सप्लेनेशन देनी है, हु इज द बेस्ट पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जो आपने देखा है? वसीम वकार का हमने नहीं देखा, वो 90s में खेल चुके थे, हमने उस तरह उनको समय देखा। बेस्ट पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हु यू हैव सीन, पहले अपना बता दूं, मैं अगर एक पिक करूंगा जो मैंने देखा है तो वो मैं बोलूंगा उमर कुल, क्योंकि वो आई थिंक लेटर स्टेज ऑफ हिज करियर वो न्यू बॉल के ही अच्छा बॉलर बन गया था, रेड बॉल उसने उस तरह डोमिनेट नहीं की, लेकिन उसके यॉर्कर्स वेरिएशंस और न्यू बॉल भी उसको अच्छी आती थी। आई लव उमर गुल मैन, एवरी पाकिस्तानी शुड लव उमर गुल। आई वुड से उमर गुल। उमर आपका क्या है बेस्ट पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जो आपने देखा है? वसीम वकार देखा है मैंने, शुएब अख्तर को देखा है हमने, शो से देखा है बिल्कुल। वसीम अकरम को भी 2003-2004 पे बड़ा देखा है, उसके बाद भी देखा है, उस वक्त भी वो टॉप परफॉर्मर थे, कल ही सोच रहा था कि मेरे दिमाग में ये तो नहीं सोचता कौन बेहतर बोलर है, मैं सोच रहा था मोहम्मद आमिर या मोहम्मद आसिफ, क्योंकि हमेशा आसिफ आसिफ ही होता था, आमिर भी साथ होता था, लेकिन मैं कल सोच रहा था कि मुझे चॉइस मिलती मैं आमिर को चूज करता हूँ, सवाल का जवाब मेरा आमिर ही है, और इससे पता चलता है कि मैं कितना बड़ा फैन हूँ आमिर का, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ कि जब आसिफ के साथ खेल रहा था मैं उसे ज्यादा रेट करता था आसिफ से, न्यू बॉल आती थी मैं कहता आमिर को न्यू बॉल दो, आमिर विकेट लेके देगा, आमिर आमिर को दो आसिफ भी है लेकिन आमिर करेगा, ठीक है। तो ये मेरा था आमिर के लिए, तो मैं उसको ही पिक करूंगा। उसने 2009 में जैसे दिलशान को आउट किया, मैं नहीं भूल सकता, विराट कोहली को चैंपियंस ट्रॉफी में आउट किया, इंग्लैंड में बॉलिंग करी बिल्कुल उसने, और उतना टैलेंट नहीं रहा, लेकिन जब उसके पास टैलेंट था, इमरान खान हिमसेल्फ सेड व्हेन ही वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू वसीम अकरम कि मेरे सामने वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म बॉलर इन हिस्ट्री है, लेकिन जितना टैलेंट आमिर में था उस एज में मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। तो मैं आमिर को ही चूज करूंगा, और आमिर बहुत बहुत अफसोस दिया तुमने, आपने जो भी, वेरी सैड। तो आप आमिर को, मैं आसिफ को, तो आप गुल को। उमर गुल यार आप थोड़ा ज्यादा ग्रेजुएट कर, उमर गुल ने अच्छा यॉर्कर्स दिए हैं, मैच जितवाए हैं, बट उमर गुल इज नॉट लाइक, ना ना ब्रो, ऑल फॉर्मेट प्लेयर था वो इसलिए लेवल का प्लेयर, ऑल फॉर्मेट प्लेयर था वो, टेस्ट मैचेस भी पाकिस्तान को ज्यादा था, लेकिन हर किसी की अपनी रैंकिंग, आसिफ इज आई रियली रेट हिम वेल, लेकिन वही बात है आसिफ कभी कभी वनडेज में उतना अच्छा नहीं हो सकता था, लेकिन खैर इज वेरी गुड बॉलर, आमिर भी बहुत अच्छा बॉलर है, ये आज का एपिसोड टेस्ट तो कभी नहीं भूलेगा यार, कराची टेस्ट मैच जो इंडिया के खिलाफ जितवाया था, वो भी कैसे सीम होके जा रही थी यार। खैर अब तो पता नहीं कितने उतनी स्विंग मैंने कभी नहीं जिंदगी में देखी, एक एक फुट बॉल स्विंग हो रही है। तो ये हो गया गाइस आज के दिन का एपिसोड, अब ये था दूसरा व्यू पॉडकास्ट एपिसोड 20, अब कोई पार्ट्स नहीं आया करेंगे, ये ऐसी आपको पूरी ऑल टुगेदर मिलेगी इंशाल्लाह, अब पता नहीं नेक्स्ट टाइम आपको कब मिलेंगे, लेकिन अगली बार एक Hopefully very soon, लेकिन अगली बार एक स्पेशल वीडियो के साथ आपको ज्वाइन करेंगे नई प्लेलिस्ट में, और उसका नाम होगा बिहाइंड द मैच, और उसके अंदर पहली वीडियो कवरिंग होगी जावेद मियादाद हिस्टोरिक शारजा सिक्स, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट दिस सिक्स, इफ यू वर टू यंग फॉर इट आई एम हियर फॉर यू, ठीक है, इफ यू वर टू ओल्ड फॉर इट आई एम हियर फॉर यू, यू कैन लिव इट बैक। तो बहुत मजा आएगा इस वीडियो को साथ देखेंगे इंशाल्लाह, और जल्दी आपको एक दो दिनों में नजर आ जाएगी या 2-3 दिनों में, आपको पता कभी कभी। तो इसके अलावा do subscribe to the channel if you haven't already, and if you have subscribed to the channel
go follow the channel on social media. Dusra V on Twitter or Dusra View 313 on Instagram or Facebook. Dusra View ko aap search kar sakte hain, like the page to keep updated on everything. Aur ab aap dono aur mujhe alvida kehna hoga audience ko. So thank you guys so much for watching. Aur Adnan aap bas kar diye aur kuch keh diye Indian viewers ko aur Pakistani viewers ko dono matches aane lage hain abhi. हाँ बस दोनों दोनों टीमों को मैं बस दोनों फैंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि होप फॉर द बेस्ट और इंडियन फैंस को मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ कि बड़ा जरूरी है आपका मेलबर्न में जीतना नहीं तो फिर आगे वाइट वॉश है और कीप सब्सक्राइबिंग कीप वॉचिंग एंड थैंक यू उमर आज आपने हमारे टाइम निकाला थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग थैंक यू सो मच गुड बाय लव हैज टू ऑल द व्यूअर्स उमर बाप अच्छा उमर को भी बाय कहना था उमर मैं ये कहूंगा कि ये जो भी दो टेस्ट मैच आ रहे हैं 24 घंटे दो में तो मैं देखो विश तो ये कह रहे हैं कि इंडिया जीते वहां से और यहां से पाकिस्तान जीते थोड़ा सब कॉन्टिनेंट विनिंग हो उस ग्राउंड पे लेकिन दैट्स नॉट गोना हैपन ठीक है न्यूजीलैंड गोना गो स्मूथ एंड ऑस्ट्रेलिया गोना गो स्मूथ अगेन So that's my prediction for the test. Okay, okay. I am not going to disagree with you there. Sorry guys, lekin it's really hard to go against Australia and New Zealand with the current setup. So ye tha podcast agli baar inshallah milenge results ke saath in matches ke aur specials aur videos ke saath jisko analyze karenge. So until next time, take care. Assalamu alaikum. Thank you.